आज अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच शुरू होने में मात्र कुछ ही घंटों का और समय शेष रह चुका है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं और ये नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला कर लिया है और इस मैच के लिए उन्होंने भारतीय टीम से बॉसिंग कंटन सुंदर और सुमन गिल जैसे धाकड़ खिलाड़ियों के लिए भारत की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह विराट कोहली जैसे धाकड़ खिलाड़ियों के लिए इस महामुकाबले के लिए टीम में एंट्री दिला दी है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आपके लिए हम सब कुछ बताने वाले हैं कि इन दोनों टीमों के बीच आज होने वाला दूसरा T20 महामुकाबला कहाँ और कितने बजे से खेला जाने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों तथा गेंदबाजों ने पहले T20 महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई दी, उससे अब टीम इंडिया की दूसरे T20 महामुकाबले में जीत और भी सुनिश्चित मानी जा रही है। तो वहीं इन दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 महामुकाबला जो कि आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा, इसी के लिए ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के पास यह T20 महामुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। इसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले के लिए उन सभी खिलाड़ियों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो पहले T20 महामुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। तो वहीं इस महामुकाबले के लिए टीम में विराट कोहली की वापसी होने जा रही, जो पहले महामुकाबले में अपने निजी कारणों की वजह से उपलब्ध नहीं रहे थे। तो वहीं इस महामुकाबले के लिए भी अफगानिस्तान की टीम के कप्तान ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के लिए अगर इस T20 सीरीज में बने रहना है तो हर हाल में दूसरा T20 महामुकाबला जीतना ही होगा। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम पहले T20 महामुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, उससे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम दूसरा T20 महामुकाबले में भी कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वह एक उलटफिर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो वही इसी को देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इस महामुकाबले के लिए काफ़ी सचेत नज़र आ रहे हैं, जहां पर इस मैच के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस महामुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और जिस तरह से हमारे बल्लेबाज शिवम दुबे ने पहले T20 महामुकाबले में बल्ले तथा गेंदबाजी से धमाकेदार प्रदर्शन किया था, उसी तरह से उम्मीद है कि वह दूसरे T20 महामुकाबले में वही प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वहीं इसके अलावा भारतीय टीम की गेंदबाजी भी पहले T20 महामुकाबले में पूरी तरह से ले में नज़र आई थी। तो वहीं रोहित शर्मा ने इसी को देखते हुए दूसरे T20 महामुकाबले के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहां पर इस मैच के लिए टीम के ओपनर बल्लेबाजों की बात की जाए तो रोहित शर्मा और सुमन गिल दोनों खिलाड़ी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि जिस तरह से भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पहले T20 महामुकाबले में कोई भी ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद है कि वह जिस तरह से हाल ही में वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करके आ रहे हैं, उसी तरह का वह इस T20 सीरीज में अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि रोहित शर्मा पहले T20 महामुकाबले में बल्ले से कोई भी खास प्रदर्शन नहीं कर सके, जहां पर वह रन आउट का शिकार हुए और उन्होंने उस मैच में कोई भी रन तथा गेंद भी नहीं खेल पाई थी, लेकिन उम्मीद है कि वह दूसरे T20 महामुकाबले में एक धमाकेदार वापसी करेंगे और भारतीय टीम के लिए हर हाल में जीत दिलाएंगे। तो वहीं इस महामुकाबले के लिए सुमन गिल की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से उनसे पहले T20 महामुकाबले में प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी, उस तरह का वह प्रदर्शन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए, जहां पर उन्होंने 12 गेंदों पर 23 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन उम्मीद थी कि वह इस मैच में बड़ी पारी खेलेंगे, इसलिए अब दूसरे T20 महामुकाबले उनको बाहर का रास्ता दिखाकर युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दूसरे T20 मैच में ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 3 नंबर के लिए इस मैच में विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है, क्योंकि विराट कोहली पहला मैच अपने पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं खेल पाए थे, इसलिए अब वह दूसरे T20 मैच में वापसी होगी है, इसलिए उनका 3 नंबर पर खेला जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वह इस समय T20 तथा वनडे क्रिकेट में फॉर्म से गुजर रहे हैं, उसी तरह से उम्मीद है कि वह इस मैच में अपना वही प्रदर्शन जारी करेंगे। तो भाई 4 नंबर के लिए इस मैच में एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी तिलक वर्मा खेलते हुए
दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि तिलक वर्मा इस समय टी20 क्रिकेट के काफ़ी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं और वह अपने लंबे लंबे चौके छक्के लगाने के लिए टी20 क्रिकेट में जाने जाते हैं, जहां पर उन्होंने पहले टी20 महामुकाबले में भी 26 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो वही पाँचवें नंबर के लिए इस महामुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जीतेश शर्मा ने भी पहले टी20 महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जब भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे तो उन्होंने बेहतरीन शिवम दुबे के साथ साझेदारी की और मात्र 20 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ 30 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी। तो वहीं छठवें स्थान के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि शिवम दुबे से पहले टी20 महामुकाबले में एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी और उन्होंने उससे भी अच्छा प्रदर्शन करके सभी का दिल जीत लिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाजी में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और एक विकेट अपने हासिल करके अपनी वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो वहीं सातवें खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से रिंकू सिंह जैसे धाकड़ इस फिनिशर बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि रिंकू सिंह टी20 क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अभी तक भारत के लिए वही प्रदर्शन जारी रखा है, जहां पर उन्होंने पहले टी20 महामुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की और मात्र 9 गेंदों पर 16 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो वहीं आठवें स्थान के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलने वाले हैं, क्योंकि अक्षर पटेल टी20 क्रिकेट में अपनी घातक बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्हें पहले टी20 महामुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी थी। तो वहीं नौवें स्थान के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में रवि बिश्नोई या कुलदीप यादव में से किसी एक ही खिलाड़ी को खेलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि पहले टी20 महामुकाबले में रवि बिश्नोई बॉलिंग में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, इसलिए उनका दूसरे टी20 महामुकाबले में खेला जाना मुश्किल माना जा रहा है। तो वहीं उनकी जगह कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं दसवें स्थान के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं, हालांकि अर्शदीप सिंह ने पहले टी20 महामुकाबले में उम्मीद के मुताबिक कोई भी प्रदर्शन नहीं किया था, जहां पर उन्होंने बेहद ही घटिया गेंदबाजी की और रन भी लुटाए थे, जहां पर उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला था। लेकिन जिस तरह से वह इस समय वनडे क्रिकेट तथा टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उसी तरह से उम्मीद है कि वह दूसरे टी20 महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम के लिए जीत दिलाएंगे। तो वहीं आखिरी स्थान के लिए इस महामुकाबले में एक और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि मुकेश कुमार ने पहले टी20 महामुकाबले में बेहद ही घातक गेंदबाजी की थी। इससे पहले वह खेली गई 2 टी20 सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, इसलिए रोहित शर्मा ने उन पर इस टी20 महामुकाबले में भरोसा जताया और उन्होंने पहले ही टी20 महामुकाबले में धमाकेदार गेंदबाजी की और 2 विकेट लेकर रोहित शर्मा के भरोसे को पूरी तरह से कायम रखा था। तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ ही दूसरा टी20 मैच जीतने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बताएं।